तो भाइयों और उनके बहनों, क्या हाल चाल। तो विंडोज 11 का इनसाइडर प्रीव्यू आ चुका है और जिन जिन लोगों ने विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में रजिस्टर कर रखा था उनको विंडोज 11 का इनसाइडर प्रीव्यू मिल चुका है और बहुत से लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं कि कैसा है ये इनसाइडर प्रीव्यू। लेकिन आज हमारी वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम क्या करने वाले हैं, यही विंडोज 11 के इनसाइडर प्रीव्यू पे कुछ गेम्स टेस्ट करने वाले हैं और हम पता लगाएंगे कि विंडोज 11 का जो इनसाइडर प्रीव्यू है वो गेमिंग के मामले में कितना ऑप्टिमाइज्ड है। और तो और, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि विंडोज 10 के कंपैरिजन में विंडोज 11 कैसा परफॉर्म कर रही है, तो मैं आपको आई कार्ड में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें हमने सेम लैपटॉप में सेम गेम्स टेस्ट कर रखे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना परफॉर्मेंस गैप है विंडोज 10 के स्टेबल वर्जन में और विंडोज 11 के इनसाइडर प्रीव्यू वर्जन में। तो यार वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए और ऐसा मस्त मस्त कंटेंट और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो गाइस रिजल्ट्स आपके सामने ही थे यहाँ पे, और यस मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ यार। विंडोज 10 हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी FPS के मामले में, गेमिंग के मामले में। यहाँ पर विंडोज 11 का जो इनसाइडर प्रीव्यू है, यस गेमिंग के मामले में अभी ये बहुत पीछे है, अभी काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन नीडेड हैं। अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ तो विंडोज 10 में मेरे को GTA में 1080p हाई सेटिंग्स में इजीली 70-80 एवरेज FPS मिल जाते थे, लेकिन यहाँ विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू के अंदर मेरे को 60 FPS मिल पा रहा है ऑन एन एवरेज। और वैलोरेंट में भी सेम हुआ, काफ़ी कम FPS मिल रहे थे एज कंपेरिजन टू विंडोज 10। लेकिन यार ये एक इनसाइडर प्रीव्यू है, अभी काफ़ी सारी स्टेबलाइजेशन बाकी है, काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन बाकी हैं, और मेरे को यकीन है कि जब पूरा स्टेबल बिल्ड आएगा विंडोज 11 का तो काफ़ी अच्छा हमको ऑप्टिमाइजेशंस देखने को मिलने वाले हैं गेमिंग के मामले में। बट यार अभी कोई बात नहीं, प्रीव्यू है। लेकिन अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं विंडोज़ 11 में, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसके एनिमेशंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, पर्सनलाइजेशंस में थीम्स हैं, आप अच्छे से काफ़ी अच्छे से इसको पर्सनलाइज कर सकते हो अपने OS को। और तो और कुछ बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। और तो और हाँ मेरे को काफ़ी सारे बग्स भी देखने को मिले। बग्स में अगर आपको बताऊं तो वो जो था नहीं जिससे आपके कहते हैं विंडो को छोटा बड़ा साइड इधर उधर कर सकते थे, एक फीचर था, मेरे को उसमें बग्स देखने को मिले। और भी थे छोटे मोटे बग्स, लेकिन यस ओवरऑल डिसेंट एक्सपीरियंस मिला मेरे को विंडोज़ 11 में। लेकिन हाँ यार अभी गेमिंग के मामले में दम नहीं है अभी इसमें इतना, लेकिन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगा गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करेगा धीरे धीरे अपडेट्स में। तो जो है आपके सामने है अब, बस यार आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तक के लिए गुड बाय।